आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले चार दिनों से हम लोगों से लगातार पूछा जा रहा है कि आप राजौरी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के पर्सनल को लेकर मैं आमतौर पर पर्सनली बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां पर मेरे इमोशंस निकल कर सामने आते हैं। इसके अलावा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं, हालांकि इस इलाके में मैं कुछ समय तक रहा हूँ तो मुझे टेरेन की एक्सपीरियंस जरूर है। शायद इसी वजह से पास्ट में मैंने कई बार वीडियोस किए हैं जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्यों ड्रोन्स यहां पर यूज नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं है कि ड्रोन्स को बिल्कुल भी यहां पर यूज नहीं किया जा सकता है। रियलिटी में यूएवीज के आ जाने के बाद में चीजें आसान हुई है और कंटिन्यूसली उनका प्रयोग किया जाता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ फुटेजेस को देख रहे हैं जहां पर इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से ड्रोन्स का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय सेना के खिलाफ जिस दिन ये एम्बुश हुआ था उस दिन भी बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन किए गए थे कि क्यों भारत की तरफ से बख्तरबंद गाड़ियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर इस इंसिडेंट में मारुति जिप्सी की जगह पर एक बुलेट प्रूफ गाड़ी होती तो भारतीय सैनिकों के पास में एक चांस होता। लेकिन फिर अगर आप इंडियन आर्मी के वेटरन्स को सुनते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि आमतौर पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां पावर टू वेट रेशियो में कम होती हैं, और जब आप टाइम सेंसिटिव मिशंस पर होते हैं जहां पर आपके पास में प्रॉपर रोड्स नहीं होते हैं तो उन टेरेन्स में ऑपरेट करने के लिए बुलेट प्रूफ व्हीकल्स के ऑप्शंस इस समय अवेलेबल नहीं है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से पिछले कुछ समय में कल्याणी M4 और महिंद्रा ASL भी अपने बेड़े में शामिल की है। इसके अलावा हम लोगों ने टाटा QVRF का भी इंडक्शन देखा है। लेकिन आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ी आर्मी है और जब कोई नया इंडक्शन किया जाता है तो इनको सभी यूनिट्स तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। प्रोडक्शन रेट, इंडक्शन रेट, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट और SOP क्रिएशन में ये थोड़ा समय लगता है और आमतौर पर कई बार ये थोड़ा समय 5 से 7 साल का समय होता है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से फोकस चाइना बॉर्डर रहा है और इसी वजह से नए इक्विपमेंट उस तरफ गए। लेकिन जब बात की जाती है एम्बुश की तो गाड़ियों का बुलेट प्रूफ होना इस चीज की अश्योरिटी नहीं है कि हम लोगों को लॉसेस नहीं होंगे। अगर गाड़ियां बुलेट प्रूफ होंगी तो उनके ऊपर RPG फायर किए जाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पर बैठकर कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे कि हमारी गाड़ियों के ऊपर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की आवश्यकता है ताकि RPG के थ्रेट से निपटा जा सके। लेकिन इस चीज का असली सॉल्यूशन है डिटरेंस। हम लोग वैली में यानी कि अपने इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं और वहां पर कम से कम इतना डिटरेंस होना चाहिए कि ये इंडियन आर्मी का व्हीकल है और इसको अगर अटैक करने की कोशिश की जाती है तो रिपरकशंस बहुत ज्यादा सीरियस होंगे और ये स्टेटमेंट सेना नहीं दे सकती है। ये पॉलिटिकल विल भारत सरकार को दिखानी पड़ेगी और स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि अगर वैली में कोई ऑपरेशन किया जाता है और इंडियन आर्मी को टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो उनके मास्टर्स को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि जब तक कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस मास्टर्स की नहीं बढ़ेगी तब तक डिटरेंस नहीं आएगा। इस एम्बुश के तुरंत बाद एक न्यूज निकल कर आई थी कि इलाके में कम से कम 30 से 40 पाकिस्तानी ओरिजिन के टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं और मेरे हिसाब से मीडिया की तरफ से एक क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि जब ये टेररिस्ट लॉन्च पैड के अंदर बैठे हुए थे तब भारत सीज फायर क्यों खेल रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भारत ने इतनी महंगी गाइडेड आर्टिलरी शेल्स अक्वायर की हैं, उनको क्या शेल्फ लाइफ खत्म होने के बाद में डिस्पोज करने के लिए खरीदा गया है। आज की तारीख में आपके पास में लॉयटरिंग म्यूनिशन का ऑप्शन है और लॉन्च पैड्स को आप आसानी से मॉनिटर करते हुए पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि भारत माता ने 5 मई को 5 खोए थे, 22 नवम्बर को फिर 5 खोए थे और अब ये डेरा की गली और थाना मंडी वाला एपिसोड। यहाँ पर कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस जब तक पाकिस्तान आर्मी के नहीं बढ़ेंगे तब तक वैली में आप केवल डिफेंसिव मोड में ऑपरेट कर रहे होंगे, जिसमें केवल 2 रिजल्ट्स हैं। एक, आप सक्सेसफुल होंगे और आप उस अटैक को बचा लेंगे, और दूसरा, आप फेल होंगे और वो अटैक आपको लॉसेस देकर जाएगा। लेकिन इन दोनों ही सूरतों में पाकिस्तान आर्मी जो बेसिकली मास्टरमाइंड है उनको किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा और यही कारण है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का डिटरेंस नहीं है। और परेशानी ये है कि ये सब चीजें भारत सरकार को पता है लेकिन किसी कारणवश उनका फोकस ये चीज है ही नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।